पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में कोंडली निगम पार्षद अतुल गुप्ता ने बड़े भाई सुरेंद्र गुप्ता परसों 3 बजे से घर से गायब है। अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही। पूरे परिवार में सभी लोग बुरी तरह सदमे में हैं। सुरेंद्र गुप्ता के घर वालों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बुधवार के दिन करीब 3 बजे वो घर से सदर बाजार बोलकर निकले थे। हाथ में नोटों के भरी थैली थी और देर रात अगर घर वापस न आने पर हमने जगह जगह रिश्तेदारों को फोन भी किया, मगर कहीं भी सुरेंद्र गुप्ता की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने थाना न्यू अशोक नगर जाकर गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि ये दिल्ली में कोई पहली वारदात नहीं है, ऐसी वारदातें तो दिल्ली में आम हो गई हैं। हालांकि 3 दिन बीत जाने पर भी पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जबकि घर वालों का हाल बेहाल हो रहा है और उधर फोन भी स्विच ऑफ आने से चिंता और बढ़ती जा रही है। वर्दी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है बस मेरे पापा घर वापस आ जाए। हम पता भी चल जाएगा ना तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बस हमारे पापा घर सही सलामत वापस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। लास्ट टाइम में पापा से क्या बात हुई आपकी? लास्ट टाइम बात तो एक अंकल ने करी थी, बस यही कुछ उन्होंने अपने डील प्रॉपर्टी के उसकी बात की थी बस, और कुछ नहीं। पापा क्या करते थे? आप मेरे पापा शॉपकीपर हैं, शॉप है उनकी खुद की। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की बात तो थोड़ी सी बता देते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आपको, कुछ मिला अभी तक? पुलिस की तरफ से कल तक पूरे रिस्पांस नहीं था, आज हुआ। कल तक 3 दिन पूरे ढीला चल रहा है, पुलिस का कर रहे भी, अब क्या कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन गुलशन मिश्रा के साथ राकेश सोनी, जीवे पंजाब के लिए।